हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूँ बायोवेदिक्स की एक नई सीरीज़ में, जिसमें हम 11th क्लास की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और ये सीरीज़ दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, एक जो 11th में है इस साल और दूसरे जो नीट की प्रिपरेशन में है, जो 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोनों के लिए एनसीईआरटी बहुत क्रूशियल है, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी शुरू करने से पहले एक मंत्र आप याद रखिए कि एनसीईआरटी आए नमः। और इस मंत्र के साथ आप एनसीईआरटी शुरू करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। हालांकि मैं ये मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अगर आपको ये पसंद आती है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और फिर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ड, एनसीईआरटी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो इजी चैप्टर है, लेकिन इस इजी चैप्टर में से भी एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी टर्म से। और जो बायोलॉजी टर्म है ये आप जानते हैं, एक ग्रीक वर्ड बायोस से मिलकर के बनी है। और बायोस का मतलब होता है स्टूडेंट, बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोजिया दूसरा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बायोलॉजी। फिर स्टूडेंट, एक और डेफिनेशन यहाँ पर कि लाइफ कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम डेड और नॉन लिविंग इन सम फंक्शंस लाइक। यानी यहाँ पर आप समझिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से किन टर्म्स में या किन फंक्शंस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहली टर्म तो यहाँ लिखी हुई है, आप समझ रहे हैं, ग्रोथ में। स्टूडेंट, ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो नहीं करते। हालाँकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो डिपोजिशन शो करती हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है, वो तो एक्यूमुलेशन है। ग्रोथ होती है इंटरनल, और जो नॉन लिविंग है वो इंटरनल ग्रोथ शो नहीं करते। फिर दूसरी टर्म है रिप्रोडक्शन, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म, फिर स्टूडेंट एडेप्टेबिलिटी, और फिर स्टूडेंट रेस्पिरेशन, एंड फिर होम्योस्टेसिस, एंड लास्ट वन इज़ कॉन्शियसनेस। तो ये जितने 7 पैरामीटर यहाँ पर हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो स्टूडेंट आप बताइएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ द मोस्ट एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलता पूरे के पूरे लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड में, तो देखिएगा। फिर आगे बात करें एनसीईआरटी की, तो जो आपकी एनसीईआरटी ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हैं स्टूडेंट्स, उसमें फोर पैरामीटर्स को ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। और इसमें जो 4 पैरामीटर हैं उसमें पहले नंबर पर है स्टूडेंट्स ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, और फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आगे डिस्कस करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो आप ध्यान से देखिएगा, और आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि भाई ये जो मेटाबॉलिज्म है ये कोई अलग सी चीज़ है, ये स्पेशल है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
ग्रोथ में किंतु परंतु लगाते हैं लोग, रिप्रोडक्शन में कहते हैं कि जब एक स्टोन है उससे वो एक से दो में टूट गया तो उसने भी तो रिप्रोड्यूस कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इसमें मेटाबॉलिज्म में कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या एक्सेप्शन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का, और दे इनक्रीज इन मास एंड नंबर। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिज्म का मास भी बढ़ता है और स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म का नंबर भी, नंबर मींस के नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगी तो सेल्स का नंबर भी तो बढ़ेगा। तो सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, फिर जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो मास भी बढ़ेगा यानी वेट भी बढ़ेगा, तो आपको समझना चाहिए। फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, मैंने पहले ही बताया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी तो ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। तो वो अपनी सरफेस पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, लेकिन ग्रोथ इन लिविंग बींग्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरनल प्रोसेसेस। इसमें इंटरनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सेल डिवीजन हो गया। फिर स्टूडेंट प्लांट्स शो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट बात है आप ध्यान रखिएगा। जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कॉन्टिन्यू ग्रोथ शो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, और वाइल द एनिमल्स, जबकि एनिमल्स जो हैं उनका एक पर्टिकुलर स्टेज होता है, एक पर्टिकुलर सर्टेन एज होती है जब तक वो ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग में हैं, ह्यूमन बींग की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट, फिर वो अपने आप रुक जाते हैं। ऐसे ही लाइन है, लाइन की भी एक पर्टिकुलर हाइट है, फिर ऐसे ही हॉर्स है उसकी भी एक पर्टिकुलर हाइट है, यानी उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर एज पे जा करके रुक जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी। जबकि जो ट्री होते हैं ये थोड़ा बहुत लगातार पूरे पूरे लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है ग्रोथ के बारे में। फिर स्टूडेंट दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था वहाँ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हम पढ़ें कि ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हम जानते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर कॉन्टिन्यूइंग द लीनिएज ऑफ अ स्पीशीज़। यानी कोई भी स्पीशीज़ अगर अपनी लीनिएज, अपनी जनरेशन मेंटेन रखना चाहती है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर जो आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी में लिखा है उसी पे हम रह रहे हैं, और जैसे जैसे बुक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन टर्म्स को डिटेल में। फिलहाल आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखिए और चैप्टर नंबर 1 को ध्यान में रखिए। फिर स्टूडेंट देखिए कि फंजाई रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल स्पोर, याद रखने की बात है। ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ये याद रखने की बात है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल चल रहे हैं। प्लेनेरिया जिसे लोग फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, रिप्रोड्यूस बाय द रीजनरेशन, ये रीजनरेट होते हैं। और फिर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया है, फिर यूनिसेलुलर एल्गी है, फिर अमीबा है, रिप्रोडक्शन इन साइनोनिमस विद ग्रोथ, यानी ग्रोथ भी करेंगे और रिप्रोड्यूस भी होंगे, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल। तो ये है। फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक था मेटाबॉलिज्म, जो मैंने पहले भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है इन चारों कैरेक्टर्स में। तो मेटाबॉलिज्म की बात करें स्टूडेंट, के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस साइज एंड फंक्शन। मीन्स के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने भीतर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके भीतर, वो सब कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वो केमिकल प्रोसेस इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो उस प्रोसेस में केमिकल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो मेटाबॉलिज्म की एक डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द टोटल सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के भीतर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो अब
अगर हम कहें, मैं दोबारा से पढ़ूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, मतलब अलग अलग केमिकल से बने हैं, अलग अलग अमाउंट में केमिकल हैं और उनका अलग अलग फंक्शन है अलग अलग बॉडी में. फिर स्टूडेंट, द केमिकल्स विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज्ड इन सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. तो कोई केमिकल है, उसका प्रोसेसिंग हुआ, वो दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो गया, दूसरे केमिकल में बदल गया, और इस तरह का जो सब्सटेंस है जो तैयार होता है फिर उसे बायोमोलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहा है. और जो मैं अभी डेफिनेशन बोल रहा था ये नीचे आ गई है कि द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. अब हमारी बॉडी में हो रही है तो हमारी मेटाबॉलिज्म, किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में होगी तो उसका मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म भी स्टूडेंट्स अपने आप में दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म जो है स्टूडेंट, उसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं. इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, इसके लिए मैं अलग से 2 मिनट का एक वीडियो तैयार करूँगा, वो आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा. यहाँ हम NCERT से चिपके हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही कंटेंट को ले रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं. फिलहाल आप NCERT को ध्यान में रखिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए, NCERTI नमः. तो आगे बढ़ें स्टूडेंट, के नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भी इसे याद रखिएगा. फिर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये कैरेक्टर नॉन लिविंग में तो पाया ही नहीं जाता. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं. गर्मी हो गई तो हमें गर्मी लगेगी, सर्दी हो गई तो हमें सर्दी लगेगी, कोई पिन चुभ गई तो उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. तो स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स होता है. रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कुड बी फिजिकल. अब एनवायरमेंट स्टिमुलस जो है वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है. अब फिजिकल का मतलब है एनवायरमेंट में कोई चीज़ हमें टच कर गई, केमिकल में कोई एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई केमिकल हमें टच कर गया, या फिर बायोलॉजिकल यानी हमने खुद हमारे बॉडी के भीतर, सर्दियों में कुछ और हार्मोन बनेंगे, गर्मियों में कुछ और हार्मोन बनेंगे, तो इस वजह से हम उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स करते हैं. प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉल्यूटेंट्स, कि भाई पॉल्यूशन है तो प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा, पॉल्यूशन नहीं है तो प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है, वाटर कितना कम है कि ज़्यादा है, लाइट कितनी मिल रही है प्लांट को. तो ये सब जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं ये एक्सटर्नली कहीं ना कहीं प्लांट को, प्लांट जो है वो इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है. ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड द एनवायरमेंटल क्यूज. तो फिर आगे कि फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स. जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं प्लांट में, उनमें ये बात, यानी प्लांट और एनिमल दोनों में, इस बात पे भी डिपेंड करती है जो उनकी स्टिमुलस है, कि उनको फोटो पीरियड कितना मिल रहा है, यानी लाइट की प्रेजेंस में वो कितना रह रहे हैं. फिर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. तो ये भी है कि हमारी सेंसिटिविटी है कि किन केमिकल्स को हम शरीर के भीतर आने देते हैं और किन को नहीं आने देते, किन से हम अवेयर रहते हैं. और ह्यूमन बीइंग द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. और इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग जो है वो अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस कैरी करता है. हालांकि करते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म भी, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो इस एक्टिविटी में सुपर है, इस एक्टिविटी में सबसे अच्छा है. फिर स्टूडेंट, अगली टर्म आपकी NCERT में है और वो है डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी. पहले मैंने डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया, फिर बायोडाइवर्सिटी को. आप देखते जाइएगा कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ
कॉन्स्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में जो बायो शब्द ऐड हो गया वो स्टूडेंट ऐड हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, अगर वो लिविंग है तो बायोडाइवर्सिटी है। फिर नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस, ये बी छूट गया यहाँ पर मेरी टाइपिंग में, आप देखिएगा कि डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियंस, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी का फिगर है कि इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने डिस्क्राइब्ड हैं या नोन हैं उनका जो नंबर है 1.7 टू 1.8 मिलियन है। किताबों के हिसाब से अलग अलग डेटा आता है ये, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा ये है। और आपको मैं बताऊं मजे की बात कि ये नीट में पूछा गया सवाल है, इस साल तो नहीं लेकिन पिछले साल आया था आई थिंक, नीट का सवाल है कि व्हाट द रेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म नोन एंड डिस्क्राइब्ड ओवर द अर्थ, तो नीट के अकॉर्डिंग उसने ये सवाल पूछा था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉरी, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड नोमेनक्लेचर अगर दोनों को ऐड करके हम पढ़ें तो आप समझिए स्टूडेंट्स के जो बायोडाइवर्सिटी है, द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ये रिपीट हो गई डेफिनेशन। और नोमेनक्लेचर क्या है स्टूडेंट्स के, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग, ये एक नामकरण का सिस्टम है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में बच्चे का नाम रखते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन करते हैं जिसमें नामकरण होता है, ऐसे ही प्लांट का जब नाम रखा जाता है तो उसका फंक्शन करने वाली एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया में, उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और वो इंटरनेशनली अपना फंक्शन करती है और जो नए डिस्कवर हुए प्लांट हैं उनको नाम प्रोवाइड कराती है, नेम प्रोवाइड कराती है, तो इस प्रोसेस को ही हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो स्टूडेंट के इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, हम जानते हैं, और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय द लोकल नेम। अब हर प्लांट का लोकल नेम हर एरिया में अलग होता है, यानी अगर हम यहाँ इस समय यूपी में बात करते हैं तो अगर हम यूपी में किसी प्लांट को एक नाम से जानते हैं तो हम जब आसाम जाएंगे तो उसी प्लांट का नाम उनकी लोकल लैंग्वेज में दूसरा होगा। तो दीज लोकल नेम्स आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मैंने बताया आपको, रीजन टू रीजन एंड कंट्री आल्सो, एक देश में दूसरे देश का जो नाम है वो अलग अलग पुकारा जाता है। एक मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ जो वीट होता है उसका जो कॉमन नेम है वो वीट गेहूँ है, और जबकि पाकिस्तान में जो हमारा ही पार्ट है और वहीं पर इस गेहूँ का नाम बदल करके गंदुम हो गया, तो गेहूँ से गंदुम, तो आप देखिए कि नाम लोकल नेम जो है वो बदल जाते हैं। फिर सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑल द लैंग्वेजेस, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सारे नाम याद कर ले, याद करने की ज़रूरत तो हो जाएगी अगर एक नाम नहीं होगा, तो इसके लिए ज़रूरत महसूस हुई कि यूनिफॉर्म सिस्टम कोई नोमेनक्लेचर का प्रोवाइड हो इस दुनिया में, और फिर वो एक ऐसा नाम रखे जिससे उस ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में जाना जाए। तो इस तरह से जो नाम रखे जाते हैं स्टूडेंट्स उन नाम को कहते हैं हम साइंटिफिक नेम, अगर किसी प्लांट का नाम रखा गया है तो उसको कहेंगे हम बॉटनिकल नेम, अगर किसी एनिमल का रखा गया है तो उसको कहेंगे हम जूलॉजिकल नेम। ये जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम या फंगल नेम या बैक्टीरियल नेम ये सब साइंटिफिक नेम होते हैं स्टूडेंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म हैं यहाँ पर के, जैसे आइडेंटिफिकेशन है। अब आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं भाई, आइडेंटिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्री एग्जिस्टिंग टैक्सोन नेम टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पहले नंबर पर दिया गया नाम उसका आइडेंटिफिकेशन है। और इसको करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर दो दिए हैं, आपकी NCERT में भी दो दिए हैं एक्चुअली, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, मैंने पहले ही बताया,
ये प्लांट के लिए है स्टूडेंट्स, और दूसरा है ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो आप देखिएगा। लेकिन इसके अलावा होते हैं ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ फंगल नोमेनक्लेचर, वायरल नोमेनक्लेचर के लिए अलग कोड है। तो इस तरह से कई सारे कोड इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो नेमिंग के लिए पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, नेमिंग के लिए पूरा कंडक्शन करते हैं प्रोसेस का। अगर नेमिंग के स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले जो नेमिंग सिस्टम का आइडिया था या नेमिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था लीनियस के थ्रू, कैरोलस लीनियस। इनकी शक्ल दिख रही है और इनको यहाँ पर एक माला चढ़ा दीजिए कि भाई इनकी वजह से हम आज इन प्लांट के नाम जानते हैं, इन्होंने ये सिस्टम, इन्होंने आइडिया शुरू किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज बाय गिविंग ईच नेम कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। अब दो कंपोनेंट से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है, जैसे एक कंपोनेंट तो है जेनरिक नेम स्टूडेंट और दूसरा कंपोनेंट है स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम। और कैरोलस लीनियस इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये मैंने आपको पहले ही बताया। फिर स्टूडेंट के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर यूजुअली रिटन इन लैटिन वर्ड, यानी अब आप समझिए कि ये रूल्स हैं यहाँ पर जो इस स्लाइड पर हैं, और इन रूल्स में जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हैं जितने भी नेम हैं यहाँ पर, बायोलॉजिकल नेम है, और इन्हें स्टूडेंट्स इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं जब हम इन्हें प्रिंट करते हैं, और जब हम हैंड रिटन करते हैं तो दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर रूल बताएगा वो कि साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेन टू पार्ट, फर्स्ट वर्ड इज़ जीनस, मैंने पहले ही बताया, एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो वर्ड आपके पास आ गए, जीनस और स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो जीनस नेम अलग होता है पहले नंबर वाला, और दूसरे नंबर वाला जो है वो स्पेसिफिक या स्पीशीज नेम होता है। फिर जीनस नेम जो है स्टूडेंट, ये जो जीनस नेम है ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जबकि जो स्पीशीज नेम है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, आप समझ रहे हैं। तो जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से और जो स्पीशीज नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल लिखे हुए दिखाऊंगा, आप सिर्फ सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बायोलॉजिकल नेम इज और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, मैंने ऊपर बताया आपको, इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन एंड अंडरलाइन, और व्हेन इट इज़ हैंड रिटन, और जब इन्हें हम हाथ से लिखते हैं तो इन्हें अंडरलाइन करते हैं और सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पीशीज नेम को अलग और जेनरिक नेम को अलग। अब जैसे यहाँ एग्जांपल आ गए हैं, आपको दिख रहा है मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बॉटनिकल नेम है, तो इसको जब हम हैंड रिटन करेंगे तो मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो को अलग अंडरलाइन करेंगे, सेपियंस को अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे ओरेजा सटाइवा राइस का नाम है, तो ओरेजा को अलग अंडरलाइन करेंगे, सटाइवा को अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपको समझना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ नाम है जो NCERT में अलग अलग जगहों पर हैं, यहाँ हमने एक लिस्ट बना करके दे दी आपको, और अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 11th में अब आपके स्कूल जब एग्ज़ाम लेंगे तो उसमें भी ये नाम पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ रिवाइज़ करा देता हूँ बोल करके। पी का नाम पाइसम सेटाइवम, अनियन का नाम एलियम सेपा, मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, वीट का नाम ट्रिटिका मेस्टाइवम, बेनियन ट्री फाइकस बेंगोलेंसिस एंड सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। तो ये सारे नाम अगर आप हैंड रिटन लिखेंगे अपने रजिस्टर में तो सबको अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये नाम थे स्टूडेंट्स प्लांट के, और मेरे पास अगली लिस्ट है जिसमें एनिमल के नाम है, और इसमें स्टूडेंट पहले नंबर पर मैंने लिखा फ्रॉग, फ्रॉग का नाम है राना हेक्सोडेक्टाइला, और हमारे यहाँ इंडिया में राना टिग्रीना भी होता है, आप देखिएगा ये NCERT में लिखा है नई वाली में। कैट का नाम है स्टूडेंट्स फेलिस कॉटस,
डॉग का नाम है कैनिस फैमिलोरिस, हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका, कोबरा का नाम है नाजा नाजा, जाने नहीं देता किसी को कोबरा, इसलिए इसका नाम नाजा नाजा है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। कॉमन क्रैब फिश होती है, इसका नाम है यहाँ पर सिप्रिनस कार्पियो। फिर ह्यूमंस का नाम होमो सेपियंस, एंड वेस्टर्न हनी भी है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। तो ये नाम आप भी एक बार साउंड करके बोलिएगा, आवाज़ करके बोलिएगा, ताकि आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएं। और फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। और स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी क्लासिफिकेशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो स्टूडेंट ये है क्या, ये ग्रुपिंग ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, ये कुछ मिस हो गया मेरे से, हाँ क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनटू कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरी में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे इनको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। अब इसमें दूसरी टर्म आती है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है भाई, कि साइंटिफिक टर्म है फॉर एनी यूनिट यूज्ड इन द साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। तो कोई भी यूनिट अगर हम यूज़ करेंगे तो उसे टैक्सॉन कहेंगे। और टैक्सोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स एंड गिविंग नेम्स टू दोज ग्रुप्स। तो देखिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, इनके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर कैरोलस लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसी व्यक्ति ने तो डिवीज़न स्टार्ट किया था, इसी व्यक्ति ने तो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया था कहीं ना कहीं, नोमेनक्लेचर के लिए भी ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। फिर प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में हमें जो पढ़ना होता है स्टूडेंट, जैसे कैरेक्टराइजेशन, पहले कैरेक्टराइजेशन कीजिए, फिर उसको पहचानिए यानी आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसको क्लासिफाई कीजिए कैरेक्टर के बेस पे, और फिर उसका नाम रख दीजिए यानी नोमेनक्लेचर कर दीजिए। तो ये चारों फीचर जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी है स्टूडेंट। फिर आगे बढ़ें कि वर्ड सिस्टमेटिक्स इज ड्रिवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमेटिक एक इम्पोर्टेंट टर्म है, और ये कहाँ से आई स्टूडेंट्स, लैटिन वर्ड से आई है, सिस्टमा से, जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये याद रखने की बात है। और सिस्टमेटिक्स है क्या, कि इट इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स, यानी जितने भी लिविंग फॉर्म हैं उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी स्टडी है, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो आज है या जो पहले था उन सब की, एंड द रिलेशनशिप अमंग द लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम। और टाइम के अकॉर्डिंग जो जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग रिलेशनशिप में आए हैं उनके बीच में। फिर लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो लीनियस ने ये जो सिस्टमेटिक्स का जिक्र किया था, सिस्टमेटिक्स को एक्सप्लेन किया था और इस टर्म को यूज़ किया था, तो अपने पब्लिकेशन में किया था। फिर स्टूडेंट आगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं कुछ, यानी क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो हर स्टेप में जब हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं तो हर रैंक में हमें अलग अलग स्टेप पे अलग अलग कैटेगरी मिलती है, और वेरियस स्टेप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन हायरार्की आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ईच लेवल इन द हायरार्की रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी अलग अलग लेवल पर अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है। अब ये आ गई है यहाँ पर कैटेगरी, ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, एक चार्ट है जिसमें आपको देखना है कि सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर है और सबसे हाई कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर है। ये जो प्रोसेस है वो ऐसे चलता है, स्पीशीज़ सभी एक जैसी होती हैं, फिर उसका ग्रुप जो है स्पीशीज़ का ग्रुप फैमिली कहलाता है, सॉरी जीनस कहलाता है, जीनस का ग्रुप स्टूडेंट फैमिली, और फैमिलीज़ का ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप क्लास, एंड क्लास का ग्रुप फाइलम, एंड फाइलम का ग्रुप किंगडम कहलाता है। ये जो बात यहाँ पर मैंने अभी मार्क किया है,
ये एनिमल के लिए किया है और ये प्लांट के लिए है। दोनों की कैटेगरी में केवल एक डिफरेंस है स्टूडेंट, कि किंगडम से नीचे की जो टर्म है वो फाइलम है एनिमल में और डिवीज़न है प्लांट्स में। तो आप ये डिफरेंस के बेस पे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा चार्ट है, ये आप कैरी कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसको हमने प्लांट और एनिमल की अलग अलग हायरार्की में दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर स्टूडेंट ये टर्म्स हैं कुछ, जैसे स्पीशीज़ है। अब स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ होती है स्टूडेंट, स्पीशीज़ होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन विच द इंडिविजुअल कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भी आपस में इंटरब्रीड कर सकें उन्हें कहते हैं हम स्पीशीज़। और मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो। तो ये तो हमने स्पीशीज़ का एग्जांपल बताने के लिए आपको कहा कि मैंगीफेरा इंडिका जो है उसमें इंडिका जो है वो इसकी स्पीशीज़ है। फिर आगे बात करें स्टूडेंट्स के एक और टर्म है जीनस, और जीनस क्या है स्टूडेंट? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप है। और जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज़ बट बिलोंग्स टू द सेम जीनस, दैट इज़ कॉल्ड द सोलेनम। ऐसे ही लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, ये भी तीनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये भी एक अलग जीनस यानी सिमिलर जीनस को शेयर करते हैं जिसका नाम है पैंथेरा। तो आप देखिएगा। फिर एक और टर्म है स्टूडेंट फैमिली, और अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा आर कॉल्ड फैमिली, एंड फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज। तो प्लांट का वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा है और रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या हैं, उसके बेस पे फैमिलीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। और थ्री डिफरेंट जेनरा जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, इन तीनों की इनके कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव फीचर के बेस पे एक ही फैमिली में कैरेक्टराइजेशन किया गया। एक उनका नाम है सोलेनेसी, और ऐसे ही दूसरे हैं जैसे कि एनिमल्स में पैंथेरा जीनस फेलिस बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी, ठीक है ना। तो पैंथेरा और फेलिडी को एक ही फैमिली में कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स या पैटर्न। फिर एक और टर्म है स्टूडेंट ऑर्डर, और ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, और स्टूडेंट ऑर्डर्स एंड अदर हायर ऑर्गेनिजम्स कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी इनका जो कैरेक्टराइजेशन है ऑर्डर का वो भी कैरेक्टर्स के एग्रीगेशन पे है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। और एनिमल्स की बात करें तो स्टूडेंट फैलिडी एंड कॉन्साइडी बिलोंग्स टू द ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा से आप नाम से समझ सकते हैं कि कैरेक्टर के बेस पे है कार्निवोरा से। फिर स्टूडेंट एक और टर्म आई क्लास, क्लास भी एक मेजर कैटेगरी है और मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर दैट हैव सर्टेन सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। जैसे कि क्लास मेमेलिया हैज़ अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, रोडेंचिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा एक्सेट्रा, ऑल हैव मेमरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयर। तो इसके बेस पे इन्हें एक ही क्लास में कैटेगराइज किया गया। फिर स्टूडेंट एक और टर्म है एनसीईआरटी में ही फाइलम, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस इन इज कॉल्ड फाइलम। और इन द प्लांट किंगडम फाइलम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद डिवीज़न। और स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया कि प्लांट में इसे डिवीज़न कहते हैं, और इसमें पाइसिस आ गए, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एब्स एंड मेमेलिया बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा किसी बेस पे। फिर लास्ट की टर्म है किंगडम, और अ ग्रुप ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड किंगडम। जैसे कि द किंगडम प्लांटी कंप्राइजेज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीज़न, और ऐसे किंगडम किंगडम एनिमिलिया जिसमें सारे एनिमल इंक्लूड हो जाएंगे, ऑल हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक
एंड लैक द सेल वॉल आर कैप्ट अंडर एनिमल किंगडम, मैंने पहले ही बताया आपको। फिर एक टैक्सोनॉमिक स्टेटस का एक चार्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने एक ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम लिख दिया है, जैसे मैन का आ गया, हाउस फ्लाई का आ गया है, मैंगो का आ गया है, फिर वीट का आ गया है, फिर इनके बायोलॉजिकल नेम है, जीनस कौन सा है, फैमिली कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, क्लास कौन सी है, और फिर इनका डिवीज़न कौन सा है। इस पर्टिकुलर जो इस समय पिक आ रही है, आपको इसके स्क्रीनशॉट खींचना है और इसको याद करना है। ये एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। हम आगे चलते हैं। फिर एक और लास्ट टर्म है एनसीईआरटी में, टैक्सोनॉमिकल एड, और स्टूडेंट्स स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेंस विच कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड। और स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, और द स्टडी आर यूजफुल टू नो अबाउट आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, और दीज हेल्प, यानी ये जो टैक्सोनॉमिकल एड हैं, हेल्प करती हैं किस किस में, आइडेंटिफिकेशन में, नेमिंग में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। फिर इसमें टैक्सोनॉमिकल एड कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। नंबर एक पेयर है हर्बेरियम, और हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। इसमें प्लांट के एक टुकड़े को काट करके उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं एक पेपर की शीट पर, और दीज शीट्स आर अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक मैनर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन के बेस पे उनको फिर संभाल के रखते हैं। हर्बेरियम शीट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, लोकल एंड साइंटिफिक नेम, फैमिली एक्सेट्रा। इस पॉइंट के ऊपर सवाल आया हुआ है नीट में, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। फिर स्टूडेंट एक और पॉइंट है इसमें, कि जो हर्बेरियम है प्रोवाइड द क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, यानी आप देख करके तुरंत बता सकते हैं कि हाँ भाई इस प्लांट का नाम क्या है। फिर एक और टर्म है जिसपे नीट में लगातार सवाल आता है, आपके 11th में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये है स्टूडेंट्स बोटैनिकल गार्डन, और इट इज़ अ प्लेस वेयर द प्लांट आर ग्रो, इट इज़ अ प्लेस प्लांट आर ग्रो डिस्प्ले फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए अगर प्लांट्स कहीं ग्रो होते हैं तो वो बोटैनिकल गार्डन है। ईच प्लांट कंटेन लेबल्स इंडिकेटिंग द देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है बोटैनिकल गार्डन में ये आप देखिएगा। सम फेमस बोटैनिकल गार्डन, ये नीट का सवाल है ध्यान रखिएगा। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कैलकटा का फेमस है, नेशनल बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का फेमस है, और गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये नाम याद रखिएगा। जो मैं बीच में नाम बोल रहा था तो वो नाम भी इंडियन है, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में नहीं आए हैं इसलिए वो यहाँ नहीं लिखे, वो मुझे वैसे ही याद थे इसलिए मेरे मुँह से निकल गए। फिर आया स्टूडेंट्स म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम क्या है कि इट इज़ अ प्लेस ऑफ कलेक्शन। आप जानते हैं म्यूज़ियम का तो डेफिनेशन आप जानते हैं अच्छे से, कि प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। तो स्पेसिमेन को हम सजा के रखते हैं, वहाँ संभाल के रखते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स, जार्स, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड कैन बी प्रिजर्व्ड एज ए ड्राई ऑल्सो। जब प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में एक केमिकल डलता है जिसे कहते हैं हम फॉर्मेलिन, 2% फॉर्मेलिन डलती है, आपको मैंने वैसे ही बता दिया। फिर स्टूडेंट यहाँ लिखा है कि इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ये एक बहुत दर्दनाक प्रोसेस है जो फिर कभी बताऊँगा। हम जब एक चैप्टर एक वीडियो में करते हैं तो वो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आप समझिए और देखिए समय लगा करके। कि लार्ज एनिमल्स आर सफर्ड
स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। स्टफ्ड मीन्स के उनके पेट को फाड़ करके खाली किया जाता है, उसके भीतर भूसा भरा जाता है और फिर उनकी स्किन को सील दिया जाता है और फिर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है केमिकल लगा करके, तो वो भी म्यूजियम में रखे रहते हैं। फिर आई स्टूडेंट जूलॉजिकल पार्क, और जूलॉजिकल पार्क जो है वो भी एक स्पेशल प्लेस है। कैसा प्लेस है स्टूडेंट्स, के वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर सिमिलर कंडीशंस एज दे लिव इन द नेचुरल हैबिटेट। तो जंगल जैसा वातावरण बनाते हैं एक पर्टिकुलर लोकल लोकेलिटी में जा करके, और फिर वहाँ पर इन एनिमल्स को संभाल करके रखते हैं इन द नेचुरल हैबिटेट। फिर इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टडी द बिहेवियर एंड फूड हैबिट, कि भाई कौन सा एनिमल कैसा बिहेव करता है और क्या क्या खाता है, तो उसका जो स्टडी है वो इस तरह के पार्क में किया जा सकता है। और सम फेमस जू इन इंडिया जैसे कि जूलॉजिकल पार्क मैसूर में है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है स्टूडेंट्स, फिर त्रिवेंद्रू जू है, फिर चेन्नई जू है, ये सिटी का नाम इन्हीं में आ गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का कंटेंट है, बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर स्टूडेंट कुछ कीज़ हैं, कीज़ आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, यानी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पे कुछ कीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। ये एक एनालिटिकल टूल है नेचर में एंड बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट क्या होते हैं, 11th में पूछे जाने वाला सवाल है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर है उसे कपलेट कहते हैं, जो की का एक एनालिटिक टूल है। फिर स्टूडेंट आउट ऑफ टू प्रपोज्ड कैरेक्टर्स ओनली वन विच इज़ रेलिवेंट इज एक्सेप्टेड व्हाइल द अदर इज रिजेक्टेड, और ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड द लीड। यानी आप अगर किसी की की लेके आए हैं तो उस की में हर स्टेटमेंट जो है वो लीड कहलाता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली जीनस ऑर्डर एक्सेट्रा। तो ध्यान रखिएगा की पे आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखिएगा। और फिर ये लास्ट कंटेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं अदर टर्म्स की, ये लास्ट पैराग्राफ है आपके एनसीईआरटी का जिसमें कहा गया है कि भाई फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर अदर टैक्सोनॉमिकल टी, दे हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और क्या क्या हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया गया है कि भाई जो जो मैनुअल्स हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द वेरियस स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। मोनोग्राफ क्या हैं, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी पर्टिकुलर टैक्सॉन। तो स्टूडेंट याद कीजिएगा, भले ही ये वीडियो लंबा हो गया लेकिन ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो आपको अगर ये पसंद आया हो स्टूडेंट तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच।